में आपको सलाम सलाम पाकिस्तान मैं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं है, जहाँ पे हम औरतों के हकूक के बारे में और यहाँ पे वक्त और मुआरे की सतई हुई औरतों के बारे में जो उनको पनाह दी जाती है और उनको फैसिलिटी सहूलियात दी जाती है उनको सिलाई कढ़ाई और पार्लर का, का काम सिखाया जाता है ताकि वो नरमंद होकर मुआरे में चल सकें और अपने आप को बेहतर बना सकें। आए नाजरीन उनसे आपकी बातचीत करवाते उनकी हेड से भी आपकी बातचीत करवाएंगे और यहाँ जो लड़कियाँ काम सीख रही हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे जी नाजरीन अभी हमारे साथ सी की जो शेल्टर होम की जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं कैथलीन मैडम उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो कितनी देर से इस शेल्टर होम को चला रही हैं और किस तरह वो अपनी लड़कियों को गाइड करती हैं और उनको हनरमंद बना के इस माशरे में चलने के काबिल बनाती हैं जी मसीम में आपको सलाम सलाम एंड विश थैंक यू वेरी मच मैं शुक्र गुज़ार हूँ नेशनल न्यूज़नामा की जो आज uh, यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पना सेंटर में uh, जो क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट का एक uh, प्रोग्राम है एक इनिशिएटिव है uh, लड़कियों के लिए और औरतों के लिए जहाँ पर उनको पना दी जाती है जब वो मुख्तलिफ uh, मसाइल में घिर जाते हैं और प्रॉब्लम्स uh, का शिकार होती हैं वायलेंस का शिकार होती हैं uh, तो हम उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं कि वो यहाँ पर सुकून से अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर सकें और आ, आ, उस टाइम पीरियड में जब उनके लीगल केसेस कोर्ट्स में हैं उनको एक हम पुरस्कून माहौल मुहैया करते हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी आ, जो आ, पहले वाली जो ज़िंदगी है या फीलिंग्स हैं उनको भूलकर या पुरानी जो झाती तशद है उसको भूलकर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकें उसके लिए हमने उनके लिए प्रोग्राम्स का अरेंज किया है शेल्टर होम में जिसमें सबसे पहले हम उनकी मसीही तालीम को फोकस करते हैं जिसमें हमारे पास्टर साहब हर वीक में आकर उनको रूहानी तरबियत उनकी करते हैं दूसरे आ, हम उनको आ, हमारे जो स्टाफ है आ, उसमें महानूर हैं जो वॉलंटियरली यहाँ पे काम कर रही हैं अगानिया जो कि सोशल काउंसलर हैं और इसके साथ साथ मारिया जो कि हमारी आ, शेल्टर इंचार्ज हैं वो यहाँ पर लड़कियों को देखती हैं और डेली बेसिस पर उनके साथ एक्टिव ज प्लान करते हैं जिसमें उनको गेम्स उनकी जो ट्रॉमा काउंसलिंग है और उसके साथ साथ उनको रिलैक्स करने के लिए हम उनको एक्सरसाइजेज डिफरेंट टाइप के करवाते हैं ताकि वो ट्रामा से निकल सकें और उनकी जो हेल्थ है उसको बेहतर किया जा सके उसके बाद उनके लिए हमने दो प्रोग्राम अरेंज किए हैं जिसमें एक सिलाई और दूसरा ब्यूटी पार्लर का प्रोग्राम है जो हमने उनकी इनकम ग्रोथ के लिए किया है ताकि जब जब वो यहाँ सर यहाँ से बाहर निकलती हैं तो उनके हाथ में कोई हुनर होता कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सकें अपने आप को सपोर्ट कर सकें अच्छा मैडम हमारे नाजिन को ये बताएं कि कितने साल हो गए हैं आपको इस शेल्टर होम में और कितनी लड़कियाँ आपके पास हैं अभी मौजूद और कितनी लड़कियों को आपने ट्रेन किया कि वो मतलब अपनी ज़िंदगी में मुआरे में एक अच्छे मुकाम से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें सी uh, ने शेल्टर uh, होम 2016 में स्टार्ट किया था और अब तक हम तकरीबन 250 सौ खातन को uh, पना दे चुके हैं और uh, अभी जो हमारे पास चूँकि हम हमने जो स्किल uh, डेवलपमेंट है वो प्रोग्राम हमारा 2019 में शुरू हुआ था तो uh, अब तक जो है तकरीबन हम लोग uh, 30 से 35 खुतन को स्किल ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं थैंक यू सो मच गुड मॉर्निंग एवरी तो अब ये कि हम अपने अपने इवेंट का आगाज करते हैं पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि हम किस लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप मुझे कोई बताना चाहे um -huh, वुमेन्स डे आपको क्या लगता है कि वुमेन्स डे क्या है वुमेन्स डे क्या है औरतों न... 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 का दिन औरतों को सेलिब्रेट किया जाता है औरतों को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कोई एक वॉल्टरली हाथ खड़ा करके बताए बताए जल्दी था था। कब बताए, औरतों को, और तो को उनके हकूक के लिए बाहर निकलना पड़ता है वो फिर अपना दिन मनाती है उनको अपने हकूक के लिए बोलना पड़ता है बाहर निकल के बहुत अच्छी बात किया आपने पहले तो ये कि आप लोगों को पता है कि पहले औरतों को हकूक नहीं दिए जाते थे अब फिर भी काफी हद तक दिए जाते हैं तो वो जो स्ट्रगल थी कि उन्होंने हकूक के लिए लड़ा ये सारा इसको सेलिब्रेट करते हैं हम आज के दिन कि जितनी भी खावतीन उन्होंने जो स्ट्रगल किया और जितनी इन द फ्यूचर वो स्ट्रगल कर सकती हैं तो एक ये एक दिन स्पेसिफ़िकली इसलिए मनाया जाता है और इस दिन हम अपने जितनी भी ख़ातन है वो इकट्ठे होकर जदोजहद और उस चीज़ को सेलिब्रेट करती हैं अब ऐसे है कि आपको एक स्टोरी के साथ मैं शुरू करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप सब ने कॉन्ट्रीब्यूट करना है इसमें अगर मैं सवाल कुछ पूछूँ उसका जवाब देना है घबराना नहीं है क्योंकि हम आज इसलिए खड़े हुए हैं कि आपने बोलना है औरत ने बोलना है ठीक है अब चले शुरू करते हैं एक स्टोरी से एक दफा का जिक्र है कि एक प्रिंसेस कह लें जिसको आप पढ़ी क्या कह कहानी आप बादशाह की बेटी वो बादशाह की बेटी थी तो उस बादशाह ने अपनी बेटी पे बहुत जुल्म किया आगे क्या हुआ होगा सोचे वो बहुत जुलम करता था अपनी बेटी पे क्या हुआ होगा उसके माशरे ने भी जुलम किया क्या हुआ होगा सोचें उसने स्टैंड लिया होगा आप लोग बताए कैसे स्टैंड लिया होगा अपने लिए आवाज उठाई होगी कैसे उठाई होगी बताएं जल्दी सोचें सोचे वो बादशाह की बेटी है उसने अपने बादशाह के आगे आवाज कैसे उठाई होगी सोचें मदर को बता सकती है मदर को बता सकती हैं अब उसने अपनी माँ को बताया होगा उसने स्टैंड लिया होगा उसने नो बोला होगा एक जगह हमने डिस्कस किया था मैं मगानिया नहीं कि नो कैसे बोलना है उसने नो बोला होगा उस चीज से वो चुप नहीं रही ठीक हो गया फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो कहानियां पढ़ते हैं फेरी टेल्स जिसको हम कहते हैं कौन बचाने आता है प्रिंसेस को राजकुमार आता है ना मगर क्या राजकुमार जरूरी आना हो औरत वो खुद भी प्रिंसेस अपने आप को बचा सकती है अभी आप लोगों ने कहा ना कि वो बचा सकती है तो उसने अपने आप को बचाया स्टैंड लिया फॉर एग्जाम्पल राजकुमार उस स्टोरी में आ भी गया प्रिंसेस ने आगे क्या किया उसने बचाया अपने आप को स्टैंड लिया वो इस चीज से उसने स्ट्रगल सारी की बादशाह उस जुल्म नहीं करता राजकुमार भी आ गया क्या है हैप्पी एंडिंग क्या हुई होगी सोचे प्रिंसेस है वो बादशाह से भी वो उसने सपोज बादशाह हट गया अपनी सीट से सोचे आप बताए प्रिंसेस, प्रिंसेस है प्रिंस बादशाह हट गया अपनी सीट से प्रिंसेस ने सारी जदोजहद की क्या किया होगा राजकुमार भी आ गया स्टोरी में शादी की होगी क्यों शादी की होगी उन्होंने आप लोगों के जेहन में शादी क्यों आई क्यों शादी आप लोगों के जेन में क्योंकि राजकुमार आ गया प्रिंसेस हो गई तो दोनों ने शादी कर ली ये ही नहीं करना प्रिंसेस राज, प्रिंसेस राज ने की जितनी भी स्ट्रगल थी वो सब करके उसने बादशाह चला गया तो प्रिंसेस को आगे क्या करना चाहिए था कि वो सल्तनत चलाती कुछ काम करती अपने लिए वो श... हाँ जी तो वो उसने शादी क्यों की राजकुमार से ये आप लोगों ने क्यों सोचा क्योंकि हमारा में ही सिखा रहा है ना। तो ये आप लोगों ने अपनी सोच बदलनी है। हम फेरी टेल्स जो सुनते हैं कि आखिर में दोनों की शादियां हो जाती हैं, राजकुमार ही बचाता है तो आपने अपने राजकुमारों का क्यों इंतजार करना है आप लोग खुद भी बचा सकते हैं अभी प्रिंसेस ने भी तो बचाया है ना तो ये हमने सीख रहे हैं ठीक हो गया अब बाकी मैं दावत दूंगी मिसा गानिया को मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर बात करूंगी पहले यह है कि थोड़ी सी एक और एक्टिविटी कि मैं आप लोगों से खुद मगर आप लोगों ने बोलना है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आप लोगों का मैं नहीं जानती आप लोगों को थोड़ा सा बैठे बैठे अब आप लोगों को मैंने उस दिन भी सिखाया का था कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करना है अपना नाम इस तरीके से बता रहे हैं कि अगले को आपका नाम याद हो जाए तो जैसे मिस मानूर ने एक स्टोरी सुनाई है मैंने भी आपको एक स्टोरी सुनानी है। उसमें भी एक बादशाह था और एक मलका थी और मलका जो थी वो बादशाह को बहुत पसंद थी उसने शादी की लेकिन एक दिन क्या हुआ ना कि उस राज में पॉलिटिक्स हो गई अब पॉलिटिक्स जब हुई तो ये हुआ कि जो मलका का एक कज़न ब्रदर था ना भाई उसने पॉलिटिक्स से बचा लिया मलका को अब यह हुआ कि मलका ने बोला कि अब जब बच तो गए हैं तो अब आगे क्या करना है मलका ने बादशाह को रिक्वेस्ट की बादशाह ने उसको एक अंगूठी दे दी अब वो भी एक छोटा वजीर बन गया अब जो दूसरा सीनियर वजीर था ना उसको बहुत गुस्सा आया जब उसको गुस्सा आया तो उसने कहा कि इस बंदे को मारना तो अच्छी बात नहीं है मैं इसकी पूरी कम्युनिटी को मार दूंगा इसमें जितनी लेडीज हैं स्पेशली उनको मारूंगा ताकि आगे कोई जनरेशन ही ना हो क्या ये अच्छी बात थी नहीं ना मतलब लेडीज का क्या कसूर था उस बंदे का कसूर था उसने गुस्सा सारा उतारा लेडीज पे अब क्या हुआ कि जो उसका कजन ब्रदर था ना वो गया बादशाह के पास बादशाह के पास गया और उसने रिक्वेस्ट की बादशाह ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी अब फिर वो मलका के पास गया मलका को उसने कहा कि तू एक काम कर तू जा बादशाह के पास और उससे रिक्वेस्ट कर दोबारा से उसने कहा अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी और रिक्वेस्ट करूंगी लेकिन उससे पहले क्या करना है उससे पहले क्या करना है आप लोगों ने दुआ करनी है ठीक है तो इसका मकसद ये बात मलका पे एक थ्रेट था लेडीज पे एक थ्रेट था है ना? हमें भी थ्रेट का सामना होता है हमें भी कभी कभी लोग धमकी देते हैं, मार देंगे आपको भी मार देंगे ये करेंगे वो करेंगे है ना उसको भी एक थ्रेट का सामना था उसने अपने लिए स्टैंड लिया और उसने कहा लोग मेरे लिए दुआ करें और फिर मैं बादशाह के पास जाऊंगी और फिर उसने इस तरह अपनी किंगडम को बचा लिया उसने अपनी किंगडम की सारी लेडीज को बचा लिया इससे हमारा लेसन क्या हुआ कि अपने लिए स्टैंड लेना है ठीक है मैं आपके लिए एक वर्ष पढ़ना चाहती हूँ हम बाइबल में से एक वर्ष पढ़ेंगे यह है यर्मिया उसका बाब नंबर ट्वेंटी नाइन आयत नंबर ग्यारह यहाँ पे लिखा है खुदा कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्याल को जानता हूँ खुदामत फरमाता है यानी सलामती के ख्याल ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शू क्या मकसद हुआ इसका कि खुदा बुराई नहीं चाहता और उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अच्छाई के ख्याल रखता है हमारे लिए है ना तो हमें भी अच्छाई के ख्याल रखने हैं yeah, इस वूमन डे पे आप सब ने वादा करना है कि हम स्टैंड लेंगे अपने लिए और हम जानते हैं कि खुदा हमारे लिए अच्छाई के ख्याल रखता है ठीक है तो अभी मैं दावा दूंगी मिस मारिया को कि वो आगे सेशन लीड करेंगी हाँ जी थैंक यू आज मैं आप सबके साथ एक शॉर्ट सी स्टोरी शेयर करूंगी ये स्टोरी है मेरी अपनी स्टोरी है ये स्टोरी आपने उसमें आपने स्ट्रगल पॉइंट्स आपने उसको देखनी है कि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके और आज मैं इस सीढ़ी पे जहाँ पे पहुंची हूँ और किस तरह पहुंची हूं ठीक है मैंने जब एफ कॉलेज का पता होगा आप सबको पता है ये वर्ल्ड में इसका नेम है ठीक है मैंने अपनी जो एफ एस सी बी एस सी ऑनर है मैंने एफ सी कॉलेज से डिग्री वहाँ से ली और मेरे ना फादर की विश थी कि हम बहन भाई ना सारे मिशनरी कॉलेज में ना पढ़े हुए हैं और उनकी थी कि मैं सबसे छोटी हूँ और मैं भी वहीं से ना स्टडी करूँ लेकिन मेरे साथ एक बैड लक हो गई मेरे फादर ने ना मेरा एडमिशन करवाया और उससे नेक्स्ट माह उनकी डेथ हो गई लेकिन ये सिचुएशन वो थी कि ना मुझे अपने फादर का ड्रीम पूरा करना था ठीक है और उसमें ये स्ट्रगल थी लेकिन आपने उस स्ट्रगल को देखना है ये स्टोरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है आपने इसलिए मैं आपके साथ ये स्टोरी को शेयर करूंगी कि आपने अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करनी है आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ठीक है आपने उससे बाहर निकलना है और उसी नेक्स्ट मंथ में मेरे मिड चल रहे थे बट इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी के मैं उसको किस तरह मैं अटेम्प्ट कर पाऊं ठीक है लेकिन एक मेरे माइंड में था कि मुझे ये ड्रीम को पूरा करना है मेरे फादर ने मेरे लिए ये स्ट्रगल की क्योंकि माँ बाप का होना सर पे एक बहुत जरूरी होता है बहन भाई का होना भी जरूरी है बहन भाई की सपोर्ट भी होती है लेकिन कब तक हो माँ बाप ने अपनी सपोर्ट से नहीं हटता लेकिन हमें एक टाइम पे अपने आप को खुद से स्टैंड लेना पड़ता है ठीक है उसके साथ मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरी पूरी सपोर्ट की क्योंकि टोटली टोटली उन्होंने मुझे सपोर्ट की वो मुझे आपको ये भी बताऊ कि वो मुझे लंच के लिए पैसे देते थे कि आप लंच करो लेकिन मैं उस लंच को वहां लंच नहीं करती थी वो चीज को सोच के कि नहीं ये पैसे मैंने अपने रखने हैं इससे मैंने क्या लेने हैं, अपने नोट्स लेने हैं ठीक है, है? नोट्स लेने हैं फिर जो टीचर्स हमें नोट्स देते हैं मैंने असाइनमेंट्स देते हैं मैंने उनके प्रिंट आउट करवाने हैं लेकिन खाना मैं किधर खाती थी आके अपने घर आके ठीक है ये मेरी ओन स्ट्रगल है फिर मतलब हमारे कॉलेज का जो इन्वायरमेंट था ना बहुत हाई लेवल अच्छा इन्वायरमेंट था कि वहां पे कोई किसी को कोई रोक टोक नहीं होती थी जैसे कि लड़कियाँ आजकल होता है कि अगर कोई थोड़ी सी किसी को लिफ्ट करवा दे चंद पैसों के लिए चंद खाने पीने के लिए ठीक है लेकिन इन द एंड क्या होता है हम लोग अपनी जिंदगी को क्या कर देते हैं तबाह कर देते हैं उसमें हमारी कोई इज्जत नहीं रहती मैंने तीन घंटे अपने स्टूडेंट वर्क वहां पे किया उसके बाद मैं स्टूडेंट वर्क मेरे फ्रेंड्स थे ऐसी नहीं थी कि फ्रेंड्स नहीं थे लेकिन आप लोग फ्रेंडशिप अगर किसी से रखते हैं एक लिमिटेड में रखें लिमिट को क्रॉस ना करें जहां पे आपको आगे नुकसान हो जाए और कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं कि आप किसी को फर्स्ट अब्यूज ना करें गाली ना दें हाथ ना उठाओ ठीक है ये एक औरत की सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर वो औरत एक लड़के के साथ या एक मर्द के साथ इस तरह की चीजें करेंगी वो औरत एक इज्जतदार औरत नहीं कहलाती अब एक ये ये चीज होगी और उसके बाद मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को किस तरह किया और उसके बाद मैं कॉलेज के बाद मैं घर जाती थी ट्यूशन्स पढ़ाती थी अपनी ए, फिर वो भी पैसों को मैं इकट्ठा करती थी अपनी ड्यूज क्लियर करती थी ठीक है फिर इसी तरह मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती थी ठीक है स्कॉलरशिप भी मुझे मिलती लेकिन ये था कि मेरी दोस्ती थी लेकिन अच्छे लोगों के साथ थी कि जिनसे मुझे पता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे सके और मैं उनको रिस्पेक्ट दे सकूं और आजकल के दौर में जो है इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ है और इज्जत किसके हाथ होती है एक औरत के हाथ होती है और एक औरत को क्या करना चाहिए पहले अपनी इज्जत को बचाना ठीक है रही बात मर्द अगर एक बंदा गलत होगा हम उसको देख के गलत नहीं हो बन जाएंगे हमें खुद से सोचना होगा कि हमें क्या अपने लिए करना है क्या अपने लिए स्टैंड करना है मेरी सिस्टर की शादी होगी लेकिन उन्होंने तब भी मुझे बोला कि मैं फुली सपोर्ट आपको दूंगी लेकिन मैंने उनको बोला नहीं मैं खुद से स्टैंड लूंगी मैं अपने पाव पे खुद से खड़ी होंगी आपकी जहां तक मुझे हेल्प थी होगी लेकिन अब मैं खुद से अपने पाँव पे खड़ी होंगी और डिग्री को खुद करेंगे और मुझे फ्रेंड्स ने बोला आप ये डिग्री छोड़ दो आप प्राइवेट कर लो लेकिन नहीं मेरे माइंड में एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक चीज थी मुझे अपने बाप का ड्रीम पूरा करना था और मैंने वो ड्रीम को पूरा किया उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप वहां वहां से भी मिली जहाँ से मैंने दो दो साल पहले अप्लाई की हुई थी मैंने अपनी स्ट्रगल को उसमें नहीं छोड़ा लेकिन हमेशा खुदा से एक चीज रखी थी कि खुदावंदा मेरी स्ट्रगल होगी और मुझे हिम्मत देना और हिम्मत खुदावंदा आप ही मुझे दोगे और इसीलिए जितने भी हमारे पास शेल्टर होम में ये खातान रह रही हैं इन सबको मैं यही कहूंगी कि आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड ना करें अपने आप पे खुद से इंडिपेंड हो अगर माँ बाप देखे सपोर्ट कर रहे हैं ना ठीक है कर रहे है। लेकिन आप लोग उनको खुद बोलो कि हम एक जिस अदारे में आ गए हैं अदारा जो है वो आप सबके लिए बहुत कुछ कर रहे है और ये आप सबके लिए एक गोल्डन चांस है आपका ब्राइट फ्यूचर बनने के लिए है क्योंकि मौका इंसान को बार बार नहीं मिलता और मौका तलाश किया जाता है ठीक है लेकिन ये तो आप समझ लें कि खुदावन ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है इसीलिए जो, जो सेंटर में है या सलोन में है अपना वेस्ट टाइम आप लोग अपना फुली इंटरेस्ट के साथ सीखें और करें और अपने पाओ पे खड़े हों ताकि आपको किसी के आगे यूं ना करना पड़े और किसी को कहना ना पड़े कि मुझे मदद की जरूरत है मेरी मदद करो अपनी मदद खुद से करो ये मेरी अपनी रियल स्टोरी थी अब मैं एक सेकंड लेडी की बात करना चाहूंगी कि जो दूसरों के लिए वो काम करती हैं दिन और रात ये आज वुमन डे है क्योंकि इस टीम में और भी बहुत से लोग हैं लेकिन अभी मैं हाईलाइट एक वुमन का करूंगी जो दिन रात एक करके औरतों के लिए लर्डिंग है बच्चों के लिए लर्डिंग है किन के लिए कि हमारे माशरे की जो औरतें हैं वो किसी के दबाव में ना हो आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त जो गुजर है औरतों के साथ जाति की जा रही है बच्चों के साथ जाति की जा रही है बहुत जुल्म जा रहे हैं लेकिन आप लोग चाहेंगे किस औरत का साथ देना और उस औरत का नाम है मिस कैथरीन सपना के खिलाफ खड़े हो जाए जो आपने हासिल करनी है उसके लिए स्टैंड ले लें तो ये चीज है थैंक यू सो मच जी नाजरी जैसा कि मेरे कैमरा ने आपको सारी कवरेज दिखाई कि किस तरह आज शेल्टर होम में वुमेंस डे को मनाया जा रहा है जोशो खरोश के साथ और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और मैं और मेरी टीम की तरफ से आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सी टी एस के ज़रिए इस हुनर को सीखना चाहता है तो वो सी टी एस से राता करें या फिर भी उन्हें नहीं पता चले तो फिर वो नेशनल न्यूज़नामा से रबता करें ताकि वो उन बच्चियों को भी सहारा मिल सके और वो बच्चियों भी हुनरमंद होकर मशरे में अपना एक नाम अपना एक मुकाम कमा सके इसके साथ मेरे कैमरा मैन तारिक प्यारा और मुझे दे इजाजत फिर मिलेंगे किसी नए शो में खुदा हाफिज